तो इसमें हम वेरिएबल्स पढ़ेंगे, वेरिएबल क्या होता है, असाइनमेंट क्या होती है, और कैसे पाइथन में जो वेरिएबल होते हैं वो डिफरेंट होते हैं एज़ कम्पेयर टू सी वाला, और मल्टीपल असाइनमेंट कैसे करते हैं, और डेफिनेशन क्या होती है, वेरिएबल डेफिनेशन, डायनेमिक टाइपिंग, इनपुट आउटपुट कैसे होता है, वो सब। तो स्टार्ट करते हैं। तो वेरिएबल एक नेम्ड वैल्यू होती है कि जैसे कि मैं कुछ स्टोर कराना चाहता हूँ तो उस पे मैं उसके लिए एक नाम बना देता हूँ कि मैं मार्क्स है जैसे इसमें वेरिएबल, तो इसमें मैं ये स्टोर करना चाहता हूँ 90 वैल्यू। तो एक नेम लोकेशन होती है जो कि एक वैल्यू को रेफर करने के लिए होती है, और एक प्रोग्राम में ताकि हम इसको बाद में यूज़ कर सकें। तो मैंने इसमें स्टोर करा दिया मार्क्स इक्वल टू 90, और अब इसका यूज़ मैं बाद में कर सकता हूँ। तो ये इसका मतलब होता है एक वेरिएबल का। और इसके बाद तो पाइथन में जैसे हमने एक वेरिएबल बनाने का तरीका क्या होता है, सिंपली हम मतलब उसका नाम देते हैं और उसकी वैल्यू असाइन कर देते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैं उसका नाम दूंगा एज इक्वल टू 20, तो ये मैं वेरिएबल मेरा बन जाता है। अब मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ आगे, जैसे मैं एज प्लस 1 कर दिया तो इसका यूज़ कर सकते हैं। तो ये एक वेरिएबल बनाया मैंने यहाँ पे और इसका यूज़ कर दिया। अब बाकी लैंग्वेजेस में हमें वो भी बताना पड़ता था कि इसका टाइप क्या है, जैसे इंटीजर है या फ्लोट है, लेकिन इसमें नहीं बताना पड़ता हमें, इसमें हम डायरेक्टली लिख देते हैं। जैसे मैं स्ट्रिंग बना रहा हूँ अब एज को, तो मैं एज को डायरेक्टली स्ट्रिंग बना दूंगा, कुछ बताना नहीं पड़ेगा कि ये स्ट्रिंग है क्या है, डायरेक्टली वो स्ट्रिंग ले लेगा उसको। तो ये डिफरेंट है बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस से वेरिएबल में। और तो डायरेक्टली हम जैसे इसमें देखा कि डायरेक्टली हम उसका नाम देते हैं और उसकी वैल्यू जो भी हमने देनी है वो हम दे देते हैं, राइट। इसके बाद इसमें जैसे इसमें ये दिखाया कि जैसे फर्स्ट हमने एज 19 करा, उसके बाद हमने जैसे इसकी अपडेट करी वैल्यू, तो उसकी वैल्यू चेंज हो जाती है। जैसे कि यहाँ पे हमने देखा था जैसे कि पहले एज 20 था, फिर मैंने एज ABC कर दिया, तो अब जो भी फाइनल हमने रखा है तो वो उसकी वैल्यू आ जाती है, तो वो चेंज हो जाता है जैसे ही हम उसकी वैल्यू चेंज करते हैं, अपडेट हो जाता है उसकी वैल्यू। इसके बाद ये देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से वेरिएबल पाइथन में कैसे अलग होता है। तो ये जैसे ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जैसे मान लो सी है, तो उसमें क्या होता है कि हम जैसे एक वेरिएबल बनाया मैंने, तो मान लो कि ए है, ए हमारा वेरिएबल है, तो होता क्या है कि इसकी एक मेमोरी एड्रेस होती है, कुछ भी मेमोरी एड्रेस मान लो मैंने इसका मेमोरी एड्रेस दे दिया 2763, और उसमें वैल्यू स्टोर करा दी मैंने ए इक्वल टू 15 करा, तो सी में क्या होता है उस मेमोरी एड्रेस पे जाके उसकी वैल्यू हो जाती है 15, राइट। अब अगर और ए एक ऐसा वेरिएबल है जो कि इस मेमोरी एड्रेस को पॉइंट कर रहा है, और मेमोरी एड्रेस से उसकी वैल्यू आ रही है हमारी यानी कि 15, तो अब अगर अगर मैं अब करता हूँ ए इक्वल टू 18, तो होता क्या है उसकी मेमोरी एड्रेस पे पड़ी वैल्यू वो अपडेट हो जाती है, मतलब कि मेमोरी एड्रेस तुम्हारी सेम ही रहती है ए इक्वल टू 18, और मेमोरी वही रहेगी अभी भी। तो मतलब इसका ये है जो ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसमें मेमोरी एड्रेस चेंज नहीं होता कभी, मेमोरी एड्रेस वही रहता है, लेकिन जो वैल्यू है वो अपडेट होके 15 से 18 हो जाती है। तो ये हो गया सी या सी प्लस प्लस जो भी ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसमें ये होता है। अब पाइथन में क्या होता है, इसमें पाइथन में क्या होता है कि हमारे पास पहले से ही प्री लोडर होता है, एक प्री लोडर कुछ वैल्यूज को लोड करके रखता है पहले से। मान लो ये हमारे पास दो तीन वैल्यू है 15, 18 और 20, तो ये प्री लोडर मान लो कि ये हमारा मेमोरी एड्रेस है 1 2 3 4 5, और ये सब इसकी मेमोरी एड्रेस होगी। तो मान लो सबसे पहले मैंने एक स्टेटमेंट दिया ए इक्वल टू 15, तो इससे ये होगा कि जो मेमोरी एड्रेस पे पड़ा है उसको वो पॉइंट करने लग जाएगा हमारा ए, यानी कि 1 2 3 4 को। पर जैसे ही मैं ए इक्वल टू 18 करता हूँ यहाँ पे, तो जो ए है वो अब इसको पॉइंट ना करके अब वो इसको पॉइंट करने लग जाएगा, यानी कि उसका मेमोरी एड्रेस भी चेंज हो गया यहाँ पे और उसकी वैल्यू भी चेंज हो गई।
तो ये डिफरेंस है कि जो ट्रेडिशनल में क्या होता है कि जो मेमोरी एड्रेस होता है वो सेम रहता है, अगर हम अपडेट करते हैं उसका मेमोरी एड्रेस सेम रहेगा 2763, लेकिन उसकी जो वैल्यू है वो चेंज हो जाती है। पाइथन में क्या होता है, जैसे ही हम चेंज करते हैं उसकी वैल्यू, तो उसकी जो मेमोरी एड्रेस होती है, क्योंकि वो प्रीलोडर होता है, वो पहले से ही लोड करके रखता है, तो उसकी मेमोरी एड्रेस जो है वो चेंज हो जाता है, और वैल्यू तो होती है। यहाँ पे पहले 1 2 3 4 था, अब वो 5 6 7 8 था, हो गया। इसके बाद हम देखते हैं मल्टीपल असाइनमेंट्स क्या होता है। तो डिफरेंट वेज होते हैं मल्टीपल असाइनमेंट के। एक जैसे ये वे है कि जिसमें हम इन तीनों वेरिएबल को हम क्या कर रहे हैं, एक ही वैल्यू दे रहे हैं 100। तो उसका तरीका है एक्स इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड इक्वल टू 100। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, 100 वैल्यू तीनों वेरिएबल्स को दे रहे हैं, जैसे कि एक्स इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड इक्वल टू 100 मैंने किया। तो एक्स भी हमारा 100 हो गया, वाई भी 100 हो गया, और जेड भी 100 हो गया। तो ये मल्टीपल असाइनमेंट है कि हमने एक ही बारी में तीन वेरिएबल को असाइन कर दिया 100 वैल्यू, और वो सेम लोकेशन लोकेशन भी सेम होगी, क्योंकि हमने देखा था अभी पाइथन में वो प्रीलोडर यूज करता है, जिसमें कि कुछ पहले से ही वो वैल्यूज आ जाती है कुछ मेमोरी लोकेशंस में, डिफाइंड मेमोरी लोकेशंस में। तो वो तीनों के लिए जो मेमोरी होगी, मेमोरी एड्रेस भी उसका सेम होगा, प्लस जो वैल्यू होगी वो भी सेम होगी, क्योंकि हम पाइथन में कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, अब एक ये कह रहे हैं कि मल्टीपल वैल्यूज टू मल्टीपल वेरिएबल। तो इसका तरीका ये होता है कि कॉमा सेपरेटेड वैल्यू हम कर देते हैं, और लेफ्ट टू राइट असाइनमेंट होता है। जैसे मैंने एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड किया, तो उसमें लेफ्ट टू राइट हो जाएगा 100 300 और ये 331। ठीक है, तो ऑर्डर वाइज होता है, फर्स्ट वेरिएबल को फर्स्ट वैल्यू मिलती है, सेकेंड को सेकेंड, एंड सो ऑन। तो ये पहले भी कर रखा था, कुछ इसमें इतना है नहीं, जिस ऑर्डर में यहाँ पे हो रहा है वो इसी ऑर्डर में असाइन हो जाएगा। उसके बाद वेरिएबल डेफिनेशन, तो इसमें ये दिखा रखा है कि वेरिएबल तभी क्रिएट होता है जब हम उसे वैल्यू असाइन करते हैं। जैसे कि एग्जांपल से समझते हैं ये क्या हो रहा है। जैसे मैंने अभी, मेरे पास कोई वेरिएबल नहीं है टी, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं सीधा प्रिंट दे रहा हूँ टी को। तो मेरे पास कोई वेरिएबल नहीं है अभी तक टी, मैंने कुछ उसकी वैल्यू नहीं दी थी ऊपर, तो मेरे पास टी नहीं है। तो वो ये कह रहा है, हमारा जो इंटरप्रेटर है वो कहता है कि नेम टी इज़ नॉट डिफाइंड, क्योंकि हमने कुछ डिफाइन नहीं किया, और फिर उससे पहले हम उसको कॉल कर रहे हैं, प्रिंट की कॉल मार रहे हैं, जबकि हमने कोई डेफिनेशन नहीं दी। तो इसको सही करने के लिए हमें उसको डेफिनेशन देनी पड़ेगी पहले, और उसके बाद ही हम उसे प्रिंट कर सकते हैं। जब हमने डेफिनेशन दी, उसके बाद मैं प्रिंट कर सकता हूँ, लेकिन जब तक मैंने डेफिनेशन नहीं दी, तब तक मैं उसके साथ कुछ नहीं कर सकता। वो एरर दे देगा हमें इंटरप्रेटर कि ये टी डिफाइन नहीं हुआ था इस पॉइंट ऑफ टाइम तक। तो उसके बाद डायनेमिक टाइपिंग देखते हैं। डायनेमिक टाइपिंग में क्या होता है कि, तो वेरिएबल को डिफाइन कैसे किया जाता है कि एक हमने देखा कि वैल्यू असाइन कर देते हैं तो नॉर्मल डिफाइन हो जाता है वो वेरिएबल। ठीक है, तो डायनेमिक टाइपिंग ये होती है कि अगर एक पर्टिकुलर सर्टेन टाइप है, उसका डेटा टाइप को पॉइंट कर रहा है हमारा एक वेरिएबल, तो हम उसको, हमने देखा था कि जैसे ही हम उसकी वो चेंज कर देते हैं टाइप, तो वो उसको उसकी वैल्यू अपडेट हो जाती है। तो यही डायनेमिक टाइपिंग होती है कि पहले हमने उसमें एक इंटीजर स्टोर कराया, लेकिन उसके बाद हमने क्या किया, उसको अपडेट कर दिया और उसमें एक स्ट्रिंग स्टोर करा दी। तो यही डायनेमिक टाइपिंग है कि पहले एक पर्टिकुलर डेटा टाइप स्टोर कराया, यानी कि इंटीजर, और फिर उसको बदल दिया एक दूसरे डेटा टाइप में जो कि है स्ट्रिंग। और ये हमने देखा भी था कि ऐसा हो जाता है कि पहले मैंने एज में 20 स्टोर कराया था जो कि एक इंटीजर था, और एज में फिर उसके बाद हमने क्या किया, अपडेट कर दिया, एक स्ट्रिंग स्टोर करा दी एबीसी। तो अब एज किसको पॉइंट करेगा, एबीसी को। तो ये डायनेमिक टाइपिंग है कि पहले कुछ और डेटा टाइप स्टोर कराया इंटीजर, अब हमने स्ट्रिंग करा दिया, यही डायनेमिक टाइपिंग है। इसके बाद हम देख रहे हैं कि इनपुट आउटपुट कैसे लेते हैं पाइथन में। तो इनपुट लेने के लिए हम सीधा उसका वेरिएबल का नाम हम करते हैं। इनपुट है कि तुम यूजर से इनपुट करा रहे हो कि यूजर इनपुट करे, कि वो डाले हमारे इसमें प्रोग्राम में, कुछ इनपुट डाले वेरिएबल के लिए। तो हम सीधा क्या करते हैं, नाम देते हैं वेरिएबल का, जैसे मैंने नेम लिख दिया। उसके बाद इनपुट फंक्शन होता है, इनपुट फंक्शन के अंदर हमारा प्रॉम्प्ट आता है जो कि यूजर को दिखेगा जब वो इनपुट दे रहा होगा। तो इसमें जैसे मैं कह रहा हूँ नेम इक्वल टू इनपुट एंटर अ नेम, तो एंटर अ नेम आ गया, मैं कुछ भी डाला, तो अगर मैं नेम देखूंगा अब तो उसमें स्टोर हो जाएगा। तो ये हमने इनपुट ले लिया यूजर से कि नेम डालो,
उसने डाल दिया और उसमें वो स्टोर हो जाएगा। तो ये इनपुट लेने का तरीका है, इनपुट फंक्शन करते हैं और उसके अंदर प्रॉम्प्ट डाल देते हैं। तो इसके बाद हम नंबर्स कैसे रीड करते हैं ये देखते हैं कि जो हम बाय डिफ़ॉल्ट इसमें इनपुट लेते हैं वो एक स्ट्रिंग होता है, बाय इनपुट डिफ़ॉल्ट लेते हैं। तो हमें नंबर्स के लिए करना पड़ता है, हमें बताना पड़ता है इनपुट को कि हम एक इंट ले रहे हैं कि फ्लोट ले रहे हैं। तो हम दो फंक्शन होते हैं पाइथन में, इंट और फ्लोट, और वो इनपुट के साथ यूज़ होंगे और वो कन्वर्ट कर देते हैं, इनपुट में से जो भी वैल्यू हमने वो करी वो उसको कन्वर्ट कर देंगे इंटीजर और फ्लोट में। ठीक है, तो एक एग्जांपल से समझते हैं ये सारा कि क्या हो रहा है इसमें। जैसे मैंने एक बार ये वाला समझाता हूँ कि जैसे इसको मैं लेता हूँ और इसमें वैल्यू क्या आती है, नंबर इक्वल टू नंबर इक्वल टू इनपुट एंटर अ नंबर। जैसे मैंने कुछ भी डिफाइन नहीं किया पहले कि मैंने ये कह दिया कि मैं डायरेक्टली इनपुट यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन इनपुट यूज़ करने से मैंने मान लो कि 45 दिया। अब नंबर में 45 तो आ गया लेकिन ये एक स्ट्रिंग आया है, अगर मैं एनओ प्लस वन करूँगा तो वो नहीं होएगा क्योंकि ये कह रहा है कि ये एक एसटीआर है 45। तो अगर हम प्लस वन करेंगे एसटीआर में तो पॉसिबल नहीं है कि एक इंटीजर और स्ट्रिंग को प्लस करना, यानी कि जो हम इसमें लेते हैं बाय डिफॉल्ट इनपुट में वो एक स्ट्रिंग होती है, वो नंबर नहीं होती। तो हमें इसको कन्वर्ट करने के लिए एक इंटीजर में हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसको बताना पड़ेगा इनपुट को कि हमें यहाँ पे इंट का वो ले लेंगे कि वो इंट जो भी उसका आउटपुट आएगा स्ट्रिंग का वो हमें उसको कन्वर्ट कर दे एक इंटीजर में। तो मैंने यहाँ पे वही फंक्शन लिखा एंटर अ नंबर, ये प्रॉम्प्ट हो गया हमारा। लेकिन इसमें एक डिफरेंस ये हुआ कि मैंने उसको बताते कि भाई जो भी स्ट्रिंग आएगी तेरे फंक्शन से, इनपुट फंक्शन से, तो मैंने एक इंट लगा दिया उसके बाहर, तो जो भी स्ट्रिंग आएगी उसको कन्वर्ट कर देना एक इंटीजर में। तो अगर मैं ये करूँगा, अगर मैंने 54 दिया, अब मैं एनओ देखता हूँ तो देखो अभी ये जो स्ट्रिंग आ रही थी पहले यानी कि स्ट्रिंग, अब वो स्ट्रिंग नहीं आ रही, अब वो एक इंटीजर आ रहा है। तो अगर मैं एनओ प्लस वन करूँगा अब ये हो जाएगा क्योंकि अब हमारे पास इंटीजर आ रहा है। तो इसका फायदा यही है कि जो भी हमारी स्ट्रिंग आती है इस फंक्शन से इनपुट से उसको कन्वर्ट कर देता है इंटीजर में, और ऐसे ही हम फ्लोट का भी यूज़ कर सकते हैं, फ्लोट को भी लगा सकते हैं और सेम कर सकते हैं और एक फ्लोट का इनपुट ले सकते हैं। तो पाइथन में टाइप फंक्शन भी होता है हमारे पास जिससे हम उसका डेटा टाइप देख सकते हैं उस वेरिएबल का, ये चेक करने के लिए कि डेटा टाइप क्या है। तो जैसे अभी हमने नेम में स्ट्रिंग डाली थी तो वो एक स्ट्रिंग बता देता है टाइप फंक्शन, तो ये वेरीफाई करने के लिए है कि अगर हमें डेटा टाइप देखना हो। अगर हमें नंबर का देखना है तो मैं क्या करूँगा, टाइप करके नंबर डाल दूंगा तो हमें पता लग गया ये एक इंटीजर है। तो ये वेरीफाई करने के लिए होता है टाइप कि उसका डेटा टाइप क्या है जो भी हम इसके अंदर डाल रहे हैं। तो इसमें जो प्रोग्राम दे रखे हैं ज़्यादातर मैथमेटिकल जो भी फंक्शन है वो लगा के सॉल्व हो जाएंगे। जैसे मैंने एक ये वाला कर दिया था बीएमआई वाला, तो इसमें हमने क्या किया, एम ले लिया, मास लेना होता है बंदे का और हाइट लेनी होती है। फिर हाइट हमें पता है बीएमआई का फॉर्मूला होता है एम बाई एच स्क्वायर, तो मैंने क्या किया एच में एच इज इक्वल टू एच की पावर 2 कर दिया और फिर एम बाई एच कर दिया, तो उससे उसका आंसर आ जाएगा। तो ज़्यादातर चीज़ें इसमें इनपुट अ नंबर एंड प्रिंटेड क्यूब, तो इनपुट ले लेंगे और फिर उसका क्यूब कर देंगे। ज़्यादातर चीज़ें नॉर्मली है, इनपुट लेनी है और हमें फॉर्मूला पता होनी चाहिए, फॉर्मूला लगा के फिर उसका आउटपुट देना है, और कुछ नहीं करना है। एवरेज का मतलब सम ले लेंगे और फिर उसको डिवाइड कर देंगे 3 से क्योंकि 3 नंबर है।